लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम ब्यूटी टिप्स के लिए बात करेंगे। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को अपनी त्वचा का देखभाल के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों की स्किन आमतौर पर बाहरी केमिकल से अधिक प्रभावित होती है और उन्हें अपनी स्किन के लिए सही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करने से परेशानी हो सकती है। स्किन केयर रूटीन में ऐसी चीज़ों को शामिल करने से आपको पिंपल्स, मुहासे, दाग धब्बे, एलर्जी आदि की समस्या हो सकती है। सेंसिटिव स्किन वाले लोग अक्सर अपने स्किन केयर प्रोडक्ट को लेकर के कन्फ्यूज रहते हैं कि इनको क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए। मैं इतना बोलूंगा, सेंसिटिव स्किन की सही देखभाल के लिए फायदेमंद है होममेड फेस स्क्रब के बारे में आपको बता रहा हूं। सेंसिटिव स्किन के लिए होममेड फेस स्क्रब आप यूज करें। सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट होममेड फेस स्क्रब तैयार करना बहुत आसान होता है। इसके लिए आप अपने घर में मौजूद सामान से फेस स्क्रब बना सकते हैं जो आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए सही होता है। सेंसिटिव स्किन के लिए बनाया गया होममेड फेस स्क्रब आपकी त्वचा को साफ रखता है और हेल्दी रखने में मदद करता है। सेंसिटिव स्किन के लिए इन चीज़ों से बने फेस स्क्रब फायदेमंद माने जाते हैं। तो सबसे पहले फेस स्क्रब है नींबू, शहद और चीनी। आप घर में आसानी से नींबू, चीनी और शहद से बने फेस स्क्रब तैयार कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच बारीक चीनी के साथ इसे मिक्स कर लें। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। स्क्रब के बाद चेहरे को पानी से धो लें। लगभग आपको समझ लो 10 से 15 मिनट आपको स्क्रब करना है। उसके बाद इसको आपको साफ पानी से अपना चेहरा आपको धो लेना है। इसके बाद चेहरे पर गुलाब जल लगाएं। ऐसा करने से आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनेगी। दूसरा है बादाम और शहद का फेस स्क्रब। बादाम और शहद से बने फेस स्क्रब का इस्तेमाल सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए आप बादाम को पानी में भिगो दें। 2 से 3 बूंद तक पानी में रहने के बाद इसे निकाल लें और इसका चूरा बना लें। अब इस चूरे को 2 से 3 चम्मच शहद मिला लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस फेस स्क्रब को चेहरे पर अच्छे से लगाएं। इसके बाद चेहरे को साफ कर लें। तीसरा है सोयाबीन फेस स्क्रब। सोयाबीन की बड़ी से बने फेस स्क्रब का इस्तेमाल भी सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे तैयार करने के लिए सोयाबीन की बड़ियों को अच्छी तरह पीस लें। इसके बाद इसमें नारियल तेल मिलाकर कुछ देर के लिए रख दें। 15 मिनट बाद इसे मिक्स करें और चेहरे पर स्क्रब करें। इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्किन बेदाग और हेल्दी होगी। अगला है कच्चे दूध और चावल का फेस स्क्रब। कच्चा दूध और चावल से बने फेस स्क्रब का इस्तेमाल भी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर मौजूद दाग धब्बे, मुहासों को दूर करने में फायदा मिलता है। आप स्किन नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करके कई गंभीर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको चाहिए 4 चम्मच दूध, 1/2 चम्मच चावल के आटा को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण से चेहरे पर हल्के हाथ से मसाज करें। 5 मिनट के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मेरे हिसाब से आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। आप कोई भी आप हमारा उपाय हम मैंने आपको 4 उपाय बताए हैं, आप यूज कर सकते हैं। और मेरे को इतना उम्मीद है आपको कोई भी उपाय करेंगे सबसे आपको फ़ायदा होगा, कि हमारे उपाय
हम यूज करने के बाद ही, हमारी जो टीम है यूज करने के बाद ही हम सामने देते हैं उसका, तभी हम वीडियो बनाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि 100% आपको फ़ायदा होगा। आप यूज करने के बाद कमेंट करके बताएं आपको कितना फ़ायदा हुआ। धन्यवाद।